नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि आसमान पर इस वक्त घने बादल छाए हुए हैं और इस तरह से प्रदेश में लोगों को बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग की माने तो आज भी बारिश की संभावना है। हालांकि पिछले कल भी इसी तरह का मौसम बना हुआ था। सुबह के समय घने बादल आसमान पर छाए हुए थे, लेकिन दोपहर तक मौसम साफ हो गया था। लेकिन आज भी मौसम विभाग ने जिस तरह की चेतावनी दी हुई है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी भारी बारिश हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना भी है, ओलावृष्टि भी हो सकती है, इस प्रकार की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। तो आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में लगातार बारिशों का दौर जारी है। भारी बारिश से प्रदेश में हो रही बारिश के चलते किसान बागवान काफ़ी परेशान भी है, लेकिन उनकी यह परेशानी इस बार और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो इस बार मानसून समय से पहले हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे सकता है और 20 जून तक मानसून के हिमाचल प्रदेश में पहुंचने की उम्मीद है। इस तरह से जो बारिशों का दौर एक मार्च महीने से शुरू हुआ था, वो क्रम लगातार जारी रहने की उम्मीद है और इसका सबसे अधिक नुकसान इस वक्त बागवानों और किसानों को उठाना पड़ रहा है। खेतों में किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो रही है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हो रही है। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान इस बार हुआ है और यही वजह है कि किसान और बागवान प्रदेश के वो काफ़ी परेशान भी है, चिंतित भी है, क्योंकि अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट छाने लग गया है। क्योंकि खेती ही से ही उनके घर का खर्चा चलता था, लेकिन जिस तरह से फसलों की बर्बादी इस बार हो रही है मौसम की मार के कारण, उसके कारण अब किसान और बागवान अब सरकार से आर्थिक सहायता की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। पहले सूखे की मार थी, सूखे के कारण दिसंबर महीने से जो ड्राई स्पेल चलता है वो फरवरी महीने तक रहता है। 3 महीने लगातार प्रदेश में बारिश नहीं हुई, उसके कारण फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और 30 से 40% फसल सूखे के कारण बर्बाद हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो बारिशों का दौर जारी रहा और शुरू हुआ, वो क्रम अभी तक टूटा नहीं है और ओलावृष्टि तूफान के कारण फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है और यही वजह है कि किसानों के सामने अब बहुत बड़ा आर्थिक संकट इस वक्त प्रदेश में खड़ा हो चुका है। क्योंकि प्रदेश में अब गर्मियों का सीजन भी शुरू होना है। जो टमाटर, शिमला मिर्च और फ्रांसबीन किसानों ने खेतों में लगाई हुई है, लेकिन इस बार जिस तरह से बारिश हो रही है, लगातार बारिशों के कारण और ओलावृष्टि के कारण गर्मी के सीज़न के जो टमाटर के पौधे हैं वो काफ़ी बर्बाद हो गई है और 40 से 50% फसल इस वक्त फसल को नुकसान हो चुका है। तो इस तरह से किसान उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि कम फसल होने पर हो सकता है कि मंडियों में सब्जियों के भाव में वृद्धि देखने को मिले, टमाटर के भाव आसमान की कीमतें आसमान छूएं ताकि उनकी भरपाई हो सके। लेकिन इस तरह के हालात लग नहीं रहा है क्योंकि दूसरे राज्यों से टमाटर की लगातार आपूर्ति जारी है। मंडियों में टमाटर के रेट की बात करें तो 200 से 300 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से बिक रहा है। यही स्थिति लहसुन उत्पादकों को भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लहसुन के एक समय जो रेट थे वो 110 से 115 रुपए प्रति किलो के बीच में बिक रहे थे, लेकिन बारिशों के कारण लहसुन को भी नुकसान हुआ है। लहसुन को सुखाना किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है और यही वजह है कि लहसुन के जो दाम है वो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। मौसम की लगातार जिस बारिशें प्रदेश में हो रही है, उससे तापमान में गिरावट काफ़ी देखने को मिली है। पिछले वर्षों की तुलना में हिमाचल प्रदेश के तापमान में यदि बात करें तो 8 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में इस बार रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पूर्व में जो प्रदेश का जो तापमान होता था वो जैसे मैदानी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्रों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता था, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। ऊना जिला में भी इस बार जो तापमान था वो एक आधे दिन के लिए 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा, उसके बाद से तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मैदानी क्षेत्रों में जो तापमान है वो 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, जबकि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहां पर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता था, वहां पर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस बार तापमान देखने को मिला। तापमान के लिए क्योंकि गर्मियां इस बार बहुत कम प्रदेश में पड़ी है,
क्योंकि लगातार बारिशें हो रही थी, तापमान में लगातार गिरावट देख रही थी और यही वजह था कि पिछले 36 वर्षों के रिकॉर्ड भी इस बार ध्वस्त हो गए हैं। वर्ष 1987 में इस तरह का मौसम देखने को मिला था जब तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। वर्ष 1987 में हिमाचल प्रदेश का जो तापमान था वो 8 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में मई के महीने में रिकॉर्ड किया गया था और यही स्थिति इस बार बनी हुई है। और यदि बारिशों का बात करें तो बारिशों ने भी पिछले 35-36 वर्ष के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। शिमला जिला में इस बार मई के महीने में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि वर्ष 1987 में 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। उसके बाद प्रदेश में पहली बार इतनी अधिक बारिश हुई है और यही वजह है कि नुकसान भी प्रदेश में बारिशों से काफ़ी हुआ है। जिस तरह से बरसात के दिनों में नुकसान देखने को मिल रहा था, इस बार गर्मी के मौसम में उसी तरह की स्थिति बनी हुई है। सोलन की बात करें, क्योंकि इस वक्त हम सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं, तो सोलन जिला में अभी तक 7 करोड़ रुपये का नुकसान बारिश के कारण हो चुका है। पिछले हफ्ते हुई बारिश से ही करीब 4 करोड़ रुपये का नुकसान का आंकलन राजस्व विभाग द्वारा किया गया। हालांकि बहुत सारे विभागों की अभी रिपोर्टें नहीं आई है, तो उससे लग रहा है कि यह नुकसान अभी कई गुना और बढ़ सकता है। तो इस तरह की स्थितियां हमेशा ही बरसात के दिनों में देखने को मिलती थी, क्योंकि बरसात के दिनों में नुकसान काफ़ी होता था। भूस्खलन के मामले गर्मियों में कम देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार प्रदेश में क्योंकि लगातार बारिशों का एक दौर चला हुआ है, तो उसके कारण भूस्खलन के मामले भी इस बार काफ़ी देखने को मिले हैं। और यदि यही स्थिति बरसातों में भी बनी रही तो प्रदेश में काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब जिस तरह का मौसम बना हुआ है, लगातार अब भूस्खलन के मामले सामने आने लगे हैं, लगातार बारिशों के चलते अब भूमि कटाव के मामले बढ़ रहे हैं और यदि यह बारिशों का क्रम जारी रहा तो भूमि कटाव और अधिक हो सकता है, जिससे भूस्खलन की स्थितियां, लोगों के मकानों को खतरे, कई प्रकार की स्थितियां इस बार पैदा हो सकती है। बारिश की बात करें तो बारिश से आज भी राहत मिलने वाली नहीं है। जिस तरह का आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि आसमान पर इस वक्त घने बादल छाए हुए हैं और मौसम और ठंडी ठंडी हवाएं प्रदेश के वातावरण को और ठंडा कर रही है। पहाड़ इस वक्त गर्मियों में काफ़ी ठंडे हो गए हैं और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार गर्मियाँ बहुत कम, अप्रैल के महीने में कुछ दिन, करीब 5-6 दिनों के लिए गर्मी पड़ी थी, उसके बाद मई के महीने में तो बारिशों का ही दौर जारी रहा, जो क्रम अभी जून के महीने में भी जारी है। तो मौसम में फिलहाल बस इतना ही। मौसम विभाग की माने तो आज भी प्रदेश में बारिश हो सकती है और जो मानसून को लेकर मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है कि इस बार प्रदेश में जो मानसून की दस्तक है वो 20 जून तक मानसून हिमाचल प्रदेश में पहुंच सकता है। मानसून से पहले ही प्रदेश में बारिशों के कारण हाहाकार मचा हुआ है, लगातार बारिशें हो रही है, नुकसान में लगातार वृद्धि होती जा रही है और पिछले हफ्ते सोमवार को जो बारिश हुई थी उसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान प्रदेश भर में देखने को मिला था। जगह जगह पर भूस्खलन के मामले हुए थे। लोक निर्माण विभाग को सबसे अधिक नुकसान इस बार उठाना पड़ा है, क्योंकि सड़कें के कई जगहों पर गिरे हैं, जो टन लगाई हुई है वो भी उखड़ गई है। तो इस तरह का मौसम बना हुआ है और यदि मानसून भी इसी तरह से प्रदेश में आए तो आने वाले दिनों में चिंताएं और भी बढ़ सकती है। मौसम में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।